नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आला कमान के दूत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आए और आज वापस दिल्ली लौट गए, लेकिन छोड़ गए सियासी विवादों की एक पटकथा, क्योंकि खबर है कि अजय माकन प्रदेश के दौरे पर आए लेकिन पायलट गहलोत गुट को ही साधने में उलझे रहे। और इन सब के बीच अगर कोई छूट गया तो वो है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। क्या है पूरा मामला और कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर अब कसक दिन ब दिन बढ़ने लगी है, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आला कमान के दूत और प्रभारी अजय माकन का 3 दिवसीय सियासी टूरिज्म आज खत्म हो गया और माकन वापस दिल्ली लौट गए, लेकिन माकन अपने पीछे छोड़ गए राजस्थान कांग्रेस के 2 सबसे बड़े धड़ों में उलझने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कसक। दरअसल माकन प्रदेश के दौरे पर इसलिए आए थे कि कांग्रेसी नेताओं से संवाद स्थापित कर एक दूसरे के लिए व्याप्त गलतफहमियों को दूर करेंगे, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। खैर, माकन के दौरे का यह बेहद पुराना दस्तूर रहा है कि जब जब माकन प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो नया बखेड़ा खड़ा कर वापस लौट जाते हैं। ठीक इस बार भी ऐसा ही हुआ। माकन आए और पायलट गहलोत गुट में कलह का नया बीज बोकर वापस लौट गए। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई सबसे ज्यादा निराशा में है तो वह है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की कसक सबसे ज्यादा है कि माकन जब भी प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो पायलट गहलोत गुट के मंत्री और विधायकों से ही मिलने में मशगूल रहते हैं। और आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो माकन के आजू बाजू भी नहीं फटकने दिया जाता। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मेहनत से सत्ता हाथ आई, अब उन्हीं कार्यकर्ताओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सूबे के विधायक और मंत्रियों को तो कोई लेना देना था ही नहीं। ऐसे में अगर आला कमान के दूत यानी अजय माकन भी अगर कार्यकर्ताओं के साथ छुआछूत जैसा बर्ताव करेंगे तो भला उनका दर्द कौन सुनेगा। खैर, इसी बीच खबर है कि माकन जल्द प्रदेश की रिपोर्ट आला कमान को सौंपेंगे और फिर संगठन विस्तार और सियासी नियुक्तियों का पिटारा खोला जाएगा। लेकिन खबर यह भी है कि संगठन विस्तार में अभी छोटी कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। इसका मतलब है कि आला कमान के दूतों ने 180 दिनों में 180 लोगों की कार्यकारिणी नहीं घोषित कर पाए तो भला पायलट गहलोत के बीच की कलह को कैसे पाट पाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हिस्से में है तो सिर्फ और सिर्फ सब्र और इंतजार। संगठन विस्तार और सियासी नियुक्तियों का पिटारा जरूर खुलेगा, लेकिन जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि छोटी कार्यकारिणी में सिर्फ पायलट और गहलोत कैंप के चुनिंदा नेताओं और पूर्व विधायकों को ही एडजस्ट किया जाएगा। यानी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अभी भी बैरंग ही रहना होगा, क्योंकि नेताओं के माई बाप हुआ करते हैं और कार्यकर्ताओं का कोई धनी धोरी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता इन दिनों इतनी निराशा में है कि उनका सबसे जो बड़ा दुख है वो ये है कि सत्ता में होने के बावजूद भी इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो सत्ता में हैं। और जाहिर तौर पर शिकायतें इतनी हैं कि मंत्री और विधायक उनकी बातें तक नहीं सुनते हैं। लिहाजा ऐसे माहौल में वाजिब सवाल खड़ा होता है कि यदि प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की दुख दर्द नहीं सुनेंगे तो आखिर कौन सुनेगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।